हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो मंडी परिषद में वैकेंसी आई हुई है और आप इसमें किसी भी स्टेट से अप्लाई कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप इसमें ऑनलाइन मोड से आवेदन भी कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आकर ये सभी डिटेल चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो कल के बेस्ट कमेंट है वो रहे आपकी स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, उसका रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम है उत्तर प्रदेश सुपरिटेंडेंट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि इसकी ओर से भर्ती चलेगी, जिसमें टोटल पोस्ट आपको 284 पोस्ट दी गई है। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है तो यार प्लीज हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। फ्रेंड्स, इसमें को पोस्ट नेम दी गई है वो टोटल 6 प्रकार की पोस्ट इसमें आई हुई है। स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट विशेष चयन, अकाउंट क्लर्क, और यहाँ पर मार्केटिंग सुपरवाइजर ग्रेड सेकंड, और यहाँ पर मंडी इंस्पेक्टर यानी कि एमईन की इसमें आपको वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड तो ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में अप्लाई भी कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम इसके पे स्केल की बात करें तो मैं आपको नोटिफिकेशन में बताऊंगा कि नोटिफिकेशन में इसके पे स्केल के बारे में बताया हुआ है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 21 ईयर से लेकर 40 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे। अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट है तो आपको 5 ईयर की छूट मिलेगी, अगर आप ओ बी सी कैंडिडेट है तो आपको उसमें 3 ईयर की छूट भी दी जाएगी। और ये केवल और केवल छूट यूपी के ही रहने वालों को दी जाएगी, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको ये छूट भी दी जाएगी एज में। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल ओबीसी यूआर और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 225 रुपये पर कैंडिडेट आपको पे करना होगा। अगर आप एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 50 रुपये पर कैंडिडेट पे करना होगा। अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो आपको 25 रुपये पे करना होगा। अगर फ्रेंड्स आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है, प्लस आपको टाइपिंग और स्टेनोग्राफर का ज्ञान भी होना अनिवार्य है 80 और 30 WPM की स्पीड के साथ। अगर आप अकाउंटेंट क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है बीकॉम के साथ। और अगर आपने मंडी इंस्पेक्टर एमीन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री होना चाहिए यहाँ पर इसमें भी, ठीक है। और अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, प्लस आपको हिंदी और इंग्लिश की दोनों टाइपिंग आना अनिवार्य है। दोनों नहीं, एक टाइपिंग आना अनिवार्य है हिंदी की, केवल इसमें हिंदी ही बताया हुआ है। और यहाँ पर आप मार्केट सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है 50% अंकों के साथ, प्लस आपने 10वीं और 12वीं में 50% अंक आपके आने अनिवार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन में चलना होगा, मैं आपको वहीं फुल डिटेल के साथ बता पाऊंगा। 5 दिसंबर 2018 से स्टार्ट हो चुका है, जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए वो 26 दिसंबर 2018 से पहले आपको अप्लाई कर लेना है। ये डेट गलत लिखी हुई है लेकिन 26 दिसंबर है, मुझे पता हुआ है। अब यहाँ पर जो सर सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा और स्किल टेस्ट रहेगा। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आप करेंगे उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे। और इससे पहले मैंने एक वीडियो और बना दिया है कि आपको किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ से आई वाले कॉलम में जाकर वो भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। और अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी आ जाएंगे। अब आपको यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके PFD वाला सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप इसकी PFD डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो 5/12 है, लास्ट डेट है सबमिट करने के लिए 26/12 है, और मॉडिफाइड डेट है वो 2/1/2019 है। इसी प्रकार से आपको इसमें थोड़ा सा नीचे डाउन आने के बाद यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी चाहिएगी, मोबाइल नंबर चाहिएगा अप्लाई करने के लिए, संशोधित करने के लिए भी यही चाहिएगा। अब इसमें थोड़ा सा नीचे डाउन आना है आपको। आने के बाद आपको फुल डिटेल के साथ इसको एक बार रीड करना है, क्योंकि हिंदी में दिया हुआ है, सिंपल यार काफ़ी। यहाँ पर ही बताया हुआ कितने कितने फीस लेंगे, यहाँ पर 200 रुपये प्लस आपको 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क भी लेंगे। अब आपको यहाँ पर ग्रेड पे मिल जाएगा, यहाँ पर ये देखिए असुलिपि, इसको बोलते हैं स्टेनोग्राफर। यहाँ पर आपको वेतन बताया हुआ है इसमें कितना इसमें वेतन रहेगा, और यहाँ पर इसमें कितनी वैकेंसी आई हुई है यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन और कनिष्ठ सहायक विशेष चयन के लिए भी यहाँ पर अप्लाई करना है, और यहाँ पर आपको सेम टू सेम प्रोसीजर आपको रीड कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर लेखालिपि इसी प्रकार से आपको चेक करना है, और यहाँ पर अब यहाँ पर ये जो स्वतंत्र सेनानी है उसके लिए बताया हुआ है, आपको एक बार रीड इसको भी कर लेना है। अब देखें यहाँ पर जो इसकी योग्यता है, योग्यता आपको यहाँ पर रीड करनी होगी, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। और अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि वीडियो लाइक करने और शेयर करने योग्य है तो प्लीज़ कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
जय हिंद, वंदे मातरम।